सारी सूचनाओं का कलेक्शन होता है। तो इसके लिए छोटे मोटे स्तर में तो बहुत सारे लोगों की मैन पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन इतने बड़े समारोह का आयोजन जो है, इतनी सारी एंट्रीज, लाखों लाख एंट्रीज होंगी, सिलेक्शन होंगे, बहुत सारी प्रोसेस होगी, इसको आसान करने के लिए उस आईडी के अंतर्गत जो है स्कूल के बच्चों का नाम नॉमिनेशन एकदम स्पष्ट विकलांग व्यक्ति के लिए अतिरिक्त ये हो गया फाइल साइज विनय कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय संकेतगंज, अभी जो ट्रेनिंग दी गई है उसको समेकित करके 6 से 8 तक के बच्चों को हम लोग प्रेरित करेंगे, वो इस अनुसार काम करें। धन्यवाद जी सर, ये ट्रेनिंग के बारे में बताएं आप कुछ। मेरा नाम अरुण कुमार शाह हुआ जी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय कठलवारी। आज ये इंस्पायर्ड एवार्ड मानक के विषय में ट्रेनिंग हुई है, इसमें क्लास 6 से लेकर 8 के विद्यार्थियों को जो विज्ञान में रुचि रखते हैं उनको कैसे इंस्पायर्ड करना है, मतलब कुछ जानकारी देना है नई नई खोजों के विषय में। अपन नाम बताइए। सर अपन नाम मिले वीरेंद्र कुमार ठाकुर, हैदराबाद कन्या मध्य विद्यालय के शिक्षक छी हम जी। प्रशिक्षण जे इंस्पायर एवार्ड जे मानक लाई छै, ऐसे बच्चा में नया खोज के प्रतिभा के विकास है जी। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम गणेश पासवान हुआ, हम MS अली नगर दरभंगा नगर में HM है, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये बच्चों में जो सोई हुई ऊर्जा है या उसकी जो सोच है उसको बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा ही प्रोग्राम है, और हमारे शिक्षक भी उनके साथ जुड़ के उनको ये दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश करेंगे। रेखा कुमारी HM कन्या मध्य विद्यालय कैदराबाद दरभंगा नगर। ये ट्रेनिंग के बारे में बताइए, ट्रेनिंग से कुछ प्रेरित। ये है इंस्पायर अवार्ड योजना है, जिसके अनुसार है कि बच्चों के द्वारा नए विचारों को राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको सरकार के द्वारा चयनित होगा, तो बच्चे भी पुरस्कृत होंगे, उसको नए नए समाज में जो विचार आएंगे, नए खोज होगा, बच्चों के द्वारा जो नया परिवर्तन लाने का कोशिश है साइंस। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुषमा कुमारी, मैं मध्य विद्यालय आवाज स्कूल में HM हूँ, और शकील अहमद जी के द्वारा जो हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अभी इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए दिया गया है कि बच्चों में नया नया आइडिया उत्पन्न करके उनको आगे भी सीखा ना, उनको राष्ट्र स्तर पर। जी मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम कल्पना ठाकुर हुआ जी। किस संदर्भ में बताएं, कुछ जानकारी हुई आपको? हाँ, आज जो प्रशिक्षण दिया गया बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है नए आइडियाज का एक खजाना होता है, उसमें जितने तरह के चाहे उतने तरह के आइडियाज मिलते हैं, लेकिन उनकी सृजनशीलता जो क्रिएटिविटी को जगाने के लिए इस तरह का ये बहुत अच्छा मंच है, इस तरह का मंच होना आवश्यक है। भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है जिसमें बच्चों में जागृति पैदा करनी है, नए आइडियाज डेवलप करने का, जिसका नाम इन्होंने दिया है इंस्पायर्ड अवार्ड मानक। इसमें 1 लाख बच्चे को अवार्ड मिलेगा, हर स्कूल से जो 6, 7, 8 क्लास बच्चे मिडिल स्कूल से और 9 और 10 के बच्चे हाई स्कूल से आएंगे। तो हमारे ज़िला से पूरे ज़िला से 10,000 का टारगेट है कि 10,000 अच्छे प्रोजेक्ट आए जिसको राज्य स्तर पर भेजा जा सके। तो हमने आज अपने सारे संकुल के 6 संकुल के शिक्षकों को और उनके हेड मास्टर को ट्रेनिंग दिया है कि किस तरह से आप बच्चों में ये जागृति पैदा कीजिए। तो इसमें जो है जितने संकुल के टीचर सब की उपस्थिति रही लगभग चूँकि बारिश का दिन है, आप भी देख रहे हैं कि बारिश बहुत हुई है, जगह जगह पानी बहुत लगा हुआ है, कहीं से आने में कठिनाई हुई है, 150 लोग आए हैं, और हमको लगता है अब उपस्थिति के अनुसार कि लगभग सभी जगह के टीचर, 1 से 2 शिक्षक माना था लेकिन कहीं कहीं से 1 शिक्षक शिक्षक के अभाव में आए हैं, किसी किसी स्कूल में 40 शिक्षक हैं तो वो वहाँ से 2 लाए थे तो दिक्कत हो जाती, इसलिए वहाँ से केवल हेडमास्टर आए हैं, और जहाँ पर शिक्षक उपलब्ध है वहाँ से 2 शिक्षक आए हैं। आगे स्कूल से कितने टीचर सब आए? संकुलाधीन जो है उषा सामंत विद्यालय संकुलाधीन के जितने भी शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक आए हैं,
हर स्कूल से आए हैं, सभी शिक्षक आए हैं और आज का जो प्रशिक्षण दिया गया है बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें बच्चों को जागृति पैदा करने के लिए बहुत अच्छा उपाय दिया गया है। एक ऐसा मंच है जिस मंच के सहारे बच्चे बहुत कुछ कर सकेंगे।